पहले वीडियो के कंटिन्यूएशन में अब हम कॉटेज में एंटर कर रहे हैं। ये हमारे कॉटेज की एंट्री, जैसे ही एंटर करते हैं कॉटेज में, हमारे राइट हैंड साइड को एक बेडरूम है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह बिष्ट स्वागत करता हूँ आप हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में ना मैं आपके लिए लेके आया हूँ परबड़ा विलेज में 2 BHK फ्लैट जो कि 1000 स्क्वायर फीट पर बना हुआ है। इसकी बात में करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज का मौसम दिखाता हूँ। आजकल पहाड़ हमारे क्षेत्र मुक्तेश्वर का ना वेदर काफ़ी अच्छा हो चुका है। बारिशें होने से काफ़ी शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अभी शाम हो रही है तो इस समय का आप नज़ारा देख लीजिए, उसके बाद करते हैं वीडियो में उस फ्लैट की बात। तो फ्रेंड, कैसा लगा आज का ये मौसम कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो अब बात करते हैं जो परबड़ा विलेज में 2 BHK फ्लैट आ रहा है उसकी। तो उसका टोटल जो एरिया है ना लगभग 1000 स्क्वायर फीट पर वो बना हुआ है। साथ में आपको पार्किंग एरिया मिल रहा है और लॉन मिल रहा है अच्छा सा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ से व्यू काफ़ी शानदार है। उसकी वीडियो भी है, वीडियो भी देखिएगा। एकदम रोड से लगा हुआ, मेन कसियालेख मार्केट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत अच्छी लोकेशन पर है। दोस्तों, जो कोई ना ऐसे ही फ्लैट ढूंढ रहे हैं यहाँ पे मुक्तेश्वर एरिया में, कुछ फोटोज हैं और वीडियो हैं, उनको देखिए, फिर बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, ये है परबड़ा विलेज में आपका 2 BHK का फ्लैट। गाड़ी लगी हुई है पार्किंग पे, लॉन है, काफ़ी खूबसूरत जगह पे ये आपको फ्लैट मिल रहा है और अच्छा सा लॉन मिल रहा है आपको पार्टी वार्टी करने के लिए, बॉन फायर वगैरह के लिए। पूरा वुडन का काम करा हुआ है अंदर। और जो एरिया मैंने आपको बताया 1000 स्क्वायर फीट एरिया है परबड़ा विलेज, और जो इसके डिमांड है ना, ओनर की डिमांड 65 लाख रुपए मांग रहे हैं इसके वो, और बाकी तो टेबल पे बातें होंगी। बाकी बहुत अच्छी लोकेशन पे है, बहुत बढ़िया फिनिशिंग उन्होंने करा हुआ है, देख रहे हो सारा वुडन है अंदर से। तो फ्रेंड, अब ना इसकी वीडियो भी देख लीजिए। वीडियो मैंने नहीं बनाई है, खुद ओनर ने मेरे को दे रखी है, तो उसी को मैं लगा रहा हूँ उसकी क्लिप, तो वो आपको समझ थोड़ा बहुत आ जाएगा उससे। और काफ़ी बढ़िया लोकेशन पे है, मैंने खुद जाके देखा हुआ है। का मार्केट भी नज़दीक है, कसैली मार्केट नज़दीक, भटिलिया मार्केट नज़दीक है, मुक्तेश्वर टेम्पल नज़दीक है। मैं इसकी ना लोकेशन भी आपको दे दूंगा, लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में आप चेक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जिस हिसाब से यहाँ पे आजकल लैंड हो चुकी है, लैंड मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, काफ़ी कॉस्टली लैंड हो चुकी है ना, तो आपको 1000 स्क्वायर फीट पर ना बहुत बेहतरीन 2 BHK का फ्लैट मिल रहा है। पूरा वुडन वर्क उस पर करा हुआ है, ना आपको लैंड ढूंढने की ज़रूरत है और ना उस पर फिर अपना खर्चा करने की ज़रूरत है। सिंपल आप अगर फ्लैट लेना चाहते हो तो ये आपको मिल जाएगा। और जो इसकी डिमांड मैं बता चुका हूँ, ओनर इसकी डिमांड ना करीब 65 लाख रुपए मांग रहे हैं, जो वर्थ भी करता है क्योंकि अच्छी खासी लोकेशन पर है। जिस लोकेशन पर यह फ्लैट बना हुआ है और ऊपर से उस पर पूरा फिनिशिंग करा हुआ है, बेड वेड सारा कुछ उस पर सामान है, वुडन वर्क करा हुआ है, तो जस्टिफाइड करता है अपने प्राइस को, क्योंकि लैंड मिलना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। और बाकी जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है ना, वो भी ठीक ठाक ही आती है, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल आता है हल्द्वानी से, आप लोगों को पता ही होगा। आप ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आए। पहले वीडियो के कंटिन्यूएशन में अब हम कॉटेज में एंटर कर रहे हैं। ये हमारे कॉटेज की एंट्री, जैसे ही एंटर करते हैं कॉटेज में, हमारे राइट हैंड साइड को एक बेडरूम है। में डबल बेड लगा हुआ है, 2 खिड़कियां हैं। शाम का समय है, सूरज की प्रचंड रोशनी कमरे में, वेंटिलेशन और हवा का कोई इशू नहीं है, रोशनी की भी कोई दिक्कत नहीं है। और एसी के हमारे लेफ्ट हैंड साइड को 2 WC हैं, ये सिंगल WC है, और साथ में एक दरवाजा है, जिस दरवाजे को बंद कर देते हैं तो दूसरा WC बन जाता है। ये दूसरा वाला जो WC है, ये अटैच्ड है एक बेडरूम नंबर 2 के साथ। इस बेडरूम नंबर 2 की हम फिर बात करेंगे अगले भी थोड़े आगे कंटिन्यूशन। बाहर आए किचन के, अब हम इस एरिया में, पहले हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड को बेडरूम, राइट हैंड साइड को बेडरूम और लेफ्ट हैंड साइड को 2 WC। ये लाउंज एरिया है जहाँ पे बैठ सकते हैं, किसी को TV वगैरह देखना हो अपना समय निकाले, रॉकिंग चेयर है। ये छोटी सी किचनेट है जिसमें अपना क्रॉकरी कटलरी रखी हुई है, कोई खुद खाना बनाना चाहे तो बना सकता है। किचन के पास में ये
पार्किंग एरिया हो गया जो शुरू में दिखाया था पहली वीडियो के, डाइनिंग टेबल। और यहीं से आगे चलते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है बेडरूम नंबर टू। बेडरूम नंबर टू में वर्किंग टेबल है सामने, कोई वर्क फ्रॉम होम करना चाहे तो। यहाँ से वैली व्यू दिखता है। ये पहली वीडियो में दिखाया था आड़ू के पेड़ों का गुच्छा, वो यहीं पे खिड़की खोलो और अपने आड़ू तोड़ के खाओ। ये हमारा वो WC हो गया जो इसी वीडियो में थोड़ी पहले था। यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर हम चलते हैं बालकनी की तरफ। बालकनी करीब 20 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी है। ये बेडरूम नंबर टू की तरफ बालकनी और ये हमारी किचन की तरफ बालकनी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमारा वो पार्किंग एरिया आ जाता है जहाँ पे हमने दूसरी वीडियो के शुरू में दिखाया था। और ये हमारा वैली व्यू है सामने। सुबह के टाइम पे सूरज सामने इस टीले के पास से निकलता है, बहुत अच्छा व्यू होता है देखने लायक। ये हमारा बालकनी में बैठ के वैली व्यू देखता है। सामने पहाड़ी पर कुछ कमरे के कॉटेजेस और बनी हुई हैं, पास में एक मंदिर है। ये हम कॉटेज से वापस आते हैं बाहर की तरफ और ये हमारा कॉटेज के इंटीरियर्स का पूरा वीडियो बन जाता है इसमें। तो फ्रेंड कुछ ऐसा था 2 BHK का फ्लैट परबड़ा विलेज में। काफ़ी अच्छी लोकेशन है जैसा कि मैं बता चुका हूँ। बड़ा विलेज जो है हमारा उसी विलेज है और मेन जो मार्केट जो सेंटर पड़ती है ना वो कसैली मार्केट पड़ती है और बड़ी मार्केट जो है वो भटेलिया की है। बाकी बहुत प्यारा व्यू आता है, अच्छा। आप वहाँ पर ऊपर रोड पर घूमना, इधर उधर टहलो सुबह शाम के समय, तो जो शांति जो हवा मिलती है ना परबड़ा विलेज में, क्योंकि पूरा खुला एरिया है, चारों तरफ खुला एरिया है, अच्छी हवा मिलती है, व्यू है पूरा 360 व्यू देखने को मिलता है। सुबह से धूप आ जाती है, शाम तक की धूप रहती है। बाकी मैं उसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन पर लगा रहा हूँ और अगर आपको परचेज वगैरह करना है, देखना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो यही थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। जो पहाड़ों में रहना चाहते हैं, जो लैंड नहीं ले रहे हैं क्योंकि लैंड बहुत कॉस्टली हो चुकी है यहाँ पे और लैंड मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। ज़्यादातर ना लैंड लगभग रोड साइडों लैंड बिकी हुई हैं और कहीं मिलेंगे तो रीसेल प्रॉपर्टी मिलती है, उनकी अपनी कॉस्ट होती है और ऊपर से फिर कंस्ट्रक्शन। तो इन सब चीज़ों से जो बचना चाहता है, जिसको बना बुनाया चाहिए ना, तो उसको ये सूट करता है। और काफ़ी अच्छी लोकेशन पर भी है और बढ़िया काम भी करा हुआ है, पूरा वुडन वर्क है अंदर से। तो जो लोग लेना चाहते हैं कुछ समय पहाड़ों में आके अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। तो वीडियो को करता हूँ दोस्तों यहीं पे एंड और सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।